अस्सलाम वालेकुम, कैसे आप सब लोग? उम्मीद है खैर वाफियत से होंगे। मैं भी ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। आज हम बनाएंगे बहुत ही ज़बरदस्त समोसे, बिल्कुल बाज़ार जैसे, वो भी घर पर बहुत आसानी से तैयार कर सकते हैं। उसके लिए मैंने ले लिए हैं यहाँ पे आलू और उनको मैंने बॉईल करके मैश कर लिया है हाथों की मदद से। बिल्कुल बारीक मैंने इस तरह से मैश किया है। और यहाँ पे हल्दी, प्याज जिनको बारीक बारीक मैंने इस तरह से काट दिया है पीसीज में, और लाल मिर्च इस्तेमाल करेंगे, साबुत धनिया जिसको मैंने क्रश कर लिया है मोटा मोटा, और सब्ज़ मिर्ची हैं यहाँ पर इनको मैंने काट लिया बारीक बारीक, और यहाँ पर है साबुत मिर्ची पिसी हुई, और ये है इमली का पल्प। अगर पल्प आपके पास नहीं है तो आप लेमन भी इस्तेमाल कर सकते हैं। पहले समोसा स्टफिंग तैयार कर लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ऑयल डालेंगे थोड़ा सा, ऑयल को गर्म कर लेंगे। ऑयल गर्म हो गया, अब इसमें प्याज डाल देंगे। इसको फ्राई करेंगे, ज़्यादा आपने फ्राई नहीं करना, बस इसका कलर भी नहीं चेंज करना, बस थोड़ा सा इसको ऑयल में पकाना है। प्याज सॉफ्ट हो गया, अब हम सारे स्पाइसेस ऐड कर लेंगे। लाल मिर्च, हल्दी, साबुत मिर्ची, साबुत धनिया, और सब्ज़ मिर्ची, इसको मिक्स कर लेंगे। इमली का पल्प शामिल कर देंगे, मिक्स कर लेंगे। मसाला तैयार है, अब इसमें आलू को ऐड कर देंगे। मिक्स कर लेंगे। नमक ऐड कर लेंगे हसबे जरूरत, बस धनिया डाल लेंगे और इसको मिक्स कर लेंगे। ज़बरदस्त स्टफिंग तैयार है, अब इसको ठंडा कर लेंगे। अब हम समोसा डो तैयार कर लेंगे। यहाँ पे मैंने ले लिया है 2 कप मैदा जिसको मैंने बहुत अच्छे तरीके से छान लिया है। इसमें मैं डालूँगी ज़ीरा, नमक और घी। घी इस्तेमाल करना है आपने, ऑयल नहीं इस्तेमाल करना, क्योंकि आजकल जो है वो गर्मियाँ हैं तो ऑयल घी से ही ये ठीक बनेगा। अगर ठंड हो तो आप इस्तेमाल कर सकते हैं ऑयल, और इसको आपने मिक्स कर लेना है इस तरह। इस तरह से आपने इसको सारी चीज़ों को हमने अच्छी तरह से आटे में मिक्स कर लिया है, ये इस तरह। अब हम इसको पानी से गूंदेंगे। पानी जो है वो ठंडा होना चाहिए, गर्मियां हैं ये हैंडल नहीं होगा, आपने इसको ठंडे पानी से गूंदना है। और इसको हार्ड गूंदेंगे, ज़्यादा सॉफ्ट नहीं गूंदना आपने। ऐसे गूंदना है आपने इसको, इसको आपने 10 मिनट तक गूंदना है अच्छे से, और फिर आपने इसको आधे घंटे इस तरह, ये देखें ऐसी फॉर्म में आ गए। मैंने इसमें 4 टेबलस्पून जो है घी इस्तेमाल किया। फिर इसने आपने इसको आधे घंटे के लिए रख देना है रेस्ट पे। तो रेडी है, अब इसे पेड़े बना लेंगे। पहले इसको क्या करना है, आपने इस तरह से थोड़ा घुमाते हुए इसको थोड़ा सा लंबा कर लें, फिर हम इसके पेड़े बनाएंगे। नाइफ की मदद से काट लेंगे इस तरह से। अब इसे पेड़े बना लें। एक ले लेंगे पेड़ा और इसे समोसा बनाएंगे। इस तरह से इसको अब हम बेल लेंगे।
आप अपनी चॉइस के मुताबिक ले लें। आपने बड़ा समोसा बनाना है आप बड़ा पेड़ा ले लें, छोटा बनाना है आप छोटा ले लें। इस तरह से आपने इसको पतला सा बेल लेना है। रोटी तैयार है, एक रोटी से दो समोसे इजीली बन सकते हैं। इस तरह से आपने कर लेना है और दरमियान से इसको काट लेना है। ये समोसा, दो समोसा की पट्टी तैयार हो गई। इसी तरह हम सारी तैयार कर लेंगे। पट्टियाँ तैयार हैं, अभी से हम समोसे बनाएंगे। दिखाऊंगी कि समोसे को हम किस तरह से आसानी से बंद कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे मैंने ये इस तरह ले लिया पट्टी को। आपने क्या करना है, आपने इसको इस तरह से टी शेप में कर लेना। ठीक है, और यहाँ पे आपने लगा देना इस पर पानी, थोड़ा सा इसको बंद कर देना अच्छी तरह से पानी लगा के। ये देखिए ज़बरदस्त तैयार है समोसा। अब इसमें फिलिंग कर लेंगे, इसमें डाल पानी लगा। समोसे की फिलिंग कर ली हुई है। अब आपने क्या करना है, इसको बंद करने के लिए आपने इस तरह से ये फिंगर रखनी है, यहाँ से ऐसे इसको ऐसे प्रेस करना है और इसको आपने इस तरह से बंद कर देना है। तो इससे क्या होगा, ये समोसा जो है अपनी बहुत प्यारी शेप में आ जाएगा। अगर आप ऐसे ही बंद करना चाहें तो ऐसे भी कर सकते हैं, दोनों तरीके से आप बना सकते हैं। देखें ज़बरदस्त जो है समोसा रेडी हुआ। इसी तरह से हम सारे तैयार कर लेंगे। समोसे रेडी हैं, अब इनको फ्राई कर लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम इनको फ्राई होने देंगे और फ्राई होने के बाद इनको सर्विंग के लिए निकाल लेंगे। एक साइड से ये पक गए हैं, इनकी साइड चेंज कर लेंगे। बहुत प्यारी खुशबू आ रही है, अल्हम्दुलिल्लाह ज़बरदस्त रेडी है समोसा। खुशबू भी बहुत प्यारी आ रही है, बहुत ही खस्ता है, अभी तोड़ के दिखाएंगे ठंडा करके आपको। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त क्रंची समोसे तैयार हुए हैं और बहुत प्यारी खुशबू आ रही है। अब हम आपको इसको तोड़ के दिखाते हैं कितने क्रंची हैं। मान रही कितने ज़बरदस्त, कितने खस्ता हैं ये। इसको इस तरह से आप इस्तेमाल करें। बहुत मज़ेदार, अल्हम्दुलिल्लाह। आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।